तो हे एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूँ। मेरे फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताएं कि आपका आरईशीएट एग्जाम 22 मई 2022 को होने वाला है, उन एग्जाम के लिए संध्या कंप्यूटर की ओर से आप सभी के लिए मैं चैप्टर वाइज सीरीज चला रहा था। उसी कड़ी में जो अपने 6 चैप्टर तो हो गए थे, आज जो है आपका 7वां चैप्टर लेके आया हूँ, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि जितनी भी क्लासेस हमारे द्वारा ली जाती हैं उन सभी को आपको अच्छे से देखना है और एक अंत में एक प्यारी से कमेंट जरूर देना है। मेरे फ्रेंड, सेशन पे नए हैं तो सेशन को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो पे एक प्यारी से कमेंट दे। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे से रेगुलर पढ़ेगा निश्चित ही एग्जाम में अच्छी सफलता पाएगा। हर बार जो है जो भी यूट्यूब चैनल से स्टूडेंट जुड़ते हैं 90+ लेके जाते हैं, तो आपसे भी मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप रेगुलर पढ़ेंगे चैनल के माध्यम से और आप भी इस बार 90 से पार लेके जा सकते हैं। तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ आरी शेट्टी दे दनादन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे, उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो मेरे फ्रेंड्स बनता है, बार बार कहने वाली बात होगी नहीं। पहला क्वेश्चन की ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखेंगे कि आपका जो ई गवर्नेंस होता है इसका मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है इसमें क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से अगर जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो अगर नागरिक तक पहुंच पा रही हैं तो उन सभी सेवाओं को मैं क्या बोलूंगा, ई गवर्नेंस बोलूंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष, आपकी स्लाइड पे सेकंड क्वेश्चन की गलत युग्म की पहचान करें। मेरे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से जो है आपके पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इसी एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, राज ई साइन क्या ये कस्टमाइज QR फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, जो राज ई साइन है उससे आपके डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणीकृत किया जाता है। राज्य सेवा द्वार क्या राजस्थान सरकार द्वारा शेयर किया गया एक GIS है, एक बार के लिए इसको रहने देते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं। राज AEM जो है एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट का उदाहरण है, तो बिल्कुल है। और इसके अलावा जो राज है वो आपका कौन सा है, GPS मॉनिटरिंग बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली का एक उदाहरण है। तो मेरे पास ये भी आपका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो गलत युग्म होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान सेवा द्वार राजस्थान सरकार द्वारा शेयर किया गया एक GIS। अब देखो, आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्यों है गलत, तो देखिए GIS आपका कौन सा है, राजस्थान सरकार का राजतारा होता है। कौन सा होता है, राजतारा। अब देखो, GIS का कभी कभार आपसे क्या करेगा, एग्जामिनर पूरा नाम पूछेगा, क्या पूछेगा, इसका पूरा नाम पूछेगा, तो आपको याद रखना है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, मेरे फ्रेंड समझ लेना, ऐसे लिख रहा हूँ, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का पूरा नाम होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि GPS का पूरा नाम क्या है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका पूरा नाम हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इधर आपको एक और देख सकता है, सास स्वयं पास, है ना, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सास स्वयं पास की फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा, अदरवाइज मैं खुद बता दूंगा। अगला क्वेश्चन कि ई मित्र किस प्रकार का ई गवर्नेंस होता है, तो मेरे पास देखिए, सबसे पहले ई मित्र होता क्या है, तो आपका जो है ई मित्र इलेक्ट्रॉनिक मित्र होता है, जो कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास ये किस प्रकार का ई गवर्नेंस होगा, तो गवर्नमेंट की सेवाएं किसके पास में आ रही है, सिटीजन्स के पास में, तो अपन क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी G2C, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ई मित्र की शुरुआत 2004 के अंदर हुई है, आप सभी को पता रखना है। अगर कभी पूछे कि ई मित्र कैसा ई कॉमर्स होता है, तो फिर आपको बताना है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। अगला देखिएगा, G2B का मींस होता है आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E का मींस होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2C का मींस गवर्नमेंट टू सिटीजन। कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर सीधे इनका पूरा नाम पूछ लेता है, तो आपको यहां से क्लियर होना चाहिए। ये देखो, मैं आपको बोल रहा था कि मेरे ख्याल से आगे क्वेश्चन हो सकता है ये, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम
क्या है। तो मेरे फ्रेंड SaaS का जो पूरा नाम है वो आपका क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर कभी आपसे पूछे कि PaaS का पूरा नाम क्या है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। मेरे फ्रेंड्स देखिए, जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। आप जुड़े हैं आरी शेट के सबसे बेहतरीन और सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में। मेरे फ्रेंड्स अभी भी दावे के साथ कहता हूं कि अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है कि ये ऐसे ही बोलते होंगे, मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं बोलता, प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस बोलता है हमारे द्वारा, हमारा परिणाम बोलता है, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है निश्चित उसने अच्छी सफलता पाई है। इस बार भी गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो ईमानदारी के साथ में सेशन को अटेम्प्ट करेगा उसको 90 से पार या फिर आउट ऑफ 100 में से 100 दिलवाने की गारंटी आपकी इस एजुकेटर की रहेगी। अगला क्वेश्चन, के सभी सरकारी विभागों एवं संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए GIS प्रणाली का एक उदाहरण कौन सा होता है। तो मेरे फ्रेंड्स अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था ना कि आपका जो GIS होगा यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आपका कौन सा हो जाएगा, राजधरा। कौन सा हो जाएगा, राजधरा। सर राजनेट क्या होता है, तो ये जो है आपका राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक नेटवर्क है जो कि पंचायत स्तर तक प्रोवाइड किया गया है। लैंड प्रकार का हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, वैन प्रकार का हो सकता है। राज में एक क्लाउड स्टोरेज होता है, तो ये इतने से बातें लगभग आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, के ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का पोर्टल कौन सा है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए, राजस्थान सरकार का जो पोर्टल है वो कौन सा है, तो आपका ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए राजस्थान संपर्क होता है। कौन सा हो जाएगा, यहां से राजस्थान संपर्क। अब राजस्थान संपर्क आपके नागरिकों के मुद्दों को हल करता है एवं उनके जितने भी ऑनलाइन शिकायत है उनका निवारण करने के लिए इसको बनाया जाता है। अब आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कितने स्टेप होते हैं, स्टेप आपको कॉमनली पता रखना है कि 5 स्टेप होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपका होता है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, मॉडरेशन होता है, मॉडरेशन एलोकेशन होता है, एलोकेशन डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल और वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप होते हैं। अब एग्जामिनर आपसे क्या करेगा कि कौन सा स्टेप नहीं होता है, अगर आगे क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं खुद आपको बता दूंगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका कौन सा, राजस्थान संपर्क हो जाता है। राज इवॉल्ट क्या है, तो राजस्थान सरकार का एक क्लाउड स्टोरेज बेस्ट प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, और जो एकल साइन ऑन है यानी कि SSO सिंगल साइन ऑन यहाँ से हो जाता है, एकल विंडो का उदाहरण ये होता है। APDS का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने जो आपके 7 बजे वाली लाइव क्लासेस ली थी उसमें ये आप सभी को अच्छे से मैंने बताया था। अब देखिए APDS का जो पूरा नाम है वो आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो APDS के संदर्भ में और आपसे एग्जाम क्या क्या एफर्ट लगा सकता है ना, कि आपसे और क्या क्या क्वेश्चन वो कर सकता है, तो यानी एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने का गारंटी मैं लेता हूं कि वो आपको कैसे क्वेश्चन दे सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने लिख करके रख दूंगा मेरे फ्रेंड, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन खुद को लगेगा कि यार वाकई में पेपर तो पहले से ही लिख हो चुका था। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि APDS को किसके लिए बनाया गया है, तो आपको याद रखना है खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है, खाद्य सामग्री की जितने भी कमी है इसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि कितने वर्गों को राशन मिलता है, तो आपको बताना है कि सर 2 वर्गों को राशन मिलता है, कौन कौन से, BPL और APL। अब जो BPL का पूरा नाम आपसे पूछेगा बिलो पॉवर्टी लाइन, और APL का पूरा नाम आपका हो जाएगा अबव पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन होगा कि आपका जो राशन होता है वो आपको न्यूनतम मूल्य पे मिलता है, यानी कि आपका कौन सा हो जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपसे पूछेगा MSP का पूरा नाम क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर आपको जो राशन मिलता कहाँ से है, उचित मूल्य की दुकान यानी कि FPS फेयर प्राइस शॉप, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ये ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल ही सही विकल्प यहाँ से है। अगला क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स देखिए, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जा सकता, ये 100% है, लिख के ले लो मेरे से कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई
कोई भी बोलता है कि ये ऐसे ही बोलते होंगे, वो ऐसे, हालांकि कोई नहीं बोलता है, सब अपना अपना काम करते हैं, फिर भी अगर किसी को लगता है कि यार नहीं हो सकता, तो आप खुद देख लेना, बाद में पछताना ना पड़े कि उस टाइम जो एजुकेटर बोल रहा था वो बिल्कुल सही बातें बोल रहा था, कि उनके द्वारा बताई गई बातें वाकई में एग्जाम में आती हैं, ये मैं नहीं बोलता, मेरे पुराने स्टूडेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक स्टेप नहीं है। आगे मैंने बोला कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और एग्जामिनर का माइंड देखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आया है तो आपसे एक ऑप्शन हमेशा वो देता है जिसका नाम होता है स्क्रूटिनाइजेशन। इसको रट डालो, भले कैसे भी करके याद करो, बाकी इसको याद रखना होगा। देखो मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, वेरिफिकेशन होता है, जबकि जो आपका स्क्रूटिनाइजेशन है ये नहीं होगा। जब भी एग्जाम में आएगा तो ये एक ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इससे तो अच्छी बात यही है ना कि स्क्रूटिनाइजेशन को सीधा याद कर लो कि भाई यही राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात यहां से होगी नहीं। अगला क्वेश्चन कि पीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है कि अभी तो आप बता दोगे, क्योंकि अभी मैंने आप सभी को बीपीएल से परिचित करवाया है। मेरे फ्रेंड्स जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। आप जुड़े हैं आरी शेड के सबसे बेहतरीन और नंबर वन चैनल के साथ में, जो हर बार विद्यार्थियों को 90 से पार करवाने की गारंटी लेता है। बीपीएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, बिल्कुल ही यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का मतलब क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जितनी भी आपकी, अब देखो पहले क्या होता था कि जन आधार की जगह पे आपकी बामासा योजना हुआ करती थी। अब उसमें क्या होता था कि बामासा के अंदर जो मुखिया बनाया गया था वो आपके परिवार की महिला को बनाया गया था। उसका उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यही था, सीधी सी बात है। अब देखो जब मुखिया महिला को बनाया तो जितनी भी सरकार की ओर से योजनाएं मिल रही थी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो सकती है वगैरह वगैरह, जो भी आपकी योजना है, उनका सीधा प्रत्यक्ष लाभ किसके खाते में हो रहा था? परिवार के मुखिया के खाते में। तो यानी प्रत्यक्ष रूप से किसके खाते में हो रहा है? मुखिया के खाते में। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और इस बार आरईसीईटी के दजिया उड़ा देना, क्योंकि कहानी इसे कहते हैं। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मैं आपको आपके इतने परसेंटेज बना के दे सकता हूं। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि आप अगर रेगुलरली क्लासेस को अटेम्प्ट करते हो मेरे द्वारा, या मेरी जितनी भी फैकल्टीज हैं इनके द्वारा अगर आप क्लासेस को अटेम्प्ट करते हो, तो मेरे फ्रेंड्स दावे के साथ कहता हूं कि 90 से पार करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, ये मैं नहीं बोलूंगा। अगर नहीं बने तो आप अंत में कमेंट जरूर कर देना जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाओ। मेरे फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। देखिए एमएसपी का पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यह मैंने आगे आपको बताया तो ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात होगी नहीं, कि जो भी आपको राशन मिलता है वो न्यूनतम मूल्य में मिलता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम देंगे। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उम्मीद है आपसे कि कम से कम ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखो आपको थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस की जरूरत होती है, क्योंकि जन आधार योजना वगैरह सब आप वाकई में परिचित हैं इनसे। ऐसा है नहीं कि मैं आपको बिल्कुल नई बातें बता रहा हूं, बिल्कुल जो आपकी बातें आपके सामने हैं वही इस टॉपिक के अंदर हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से आपको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, बस उसी के बारे में चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। तो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बस जरूरत है तो आपको हल्का सा बताने की। देखो आपके जो जन आधार होता है, क्या उसमें कार्ड संख्या जो आपकी होती है, परिवार अंक संख्या 10 होती है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर 16 कैसे हो सकती है? या तो 10 होगा या 16 होगा, दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि 10 हो सकती है तो सत्य कौन सा नहीं होगा, तो फिर आपको सिंपल से दिख रहा है कि ये नहीं होगा। बाकी 18 वर्ष या अधिक उम्र की परिवार की जो भी महिलाएं हैं, क्या वो परिवार का मुखिया होती हैं? तो बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है कि नॉर्मली अपने सभी की जो मम्मी होती है वही, सिंपल सी बात है, कि मुखिया होती है।
बाकी इन केस अगर किसी की मम्मी वगैरह नहीं होती है तो उसमें क्या होता है कि जो 18 वर्ष की जो भी उनके सिस्टर हो सकती हैं या आप खुशवहम हो सकते हो वो आपकी क्या होती है परिवार की मुखिया फिर उस केसेस में गिनी जाती हैं। और उसमें आधार नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना होता है। तो ये सारी की सारी बातें सही है, जो ऑप्शन बी दिख रहा है वो आपका यहाँ से गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स इससे एजुकेशन क्या हो सकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ से जो है आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं तो आपको बताना है, सभी के पास में आधार कार्ड है आप सभी का गिन लेना, 12 संख्याएं होती हैं। अब इसको जारी करने वाली संस्था UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किसको जारी किया जाता है, आधार कार्ड को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन की FPS इसको थोड़ा सा राइट करना है ना मेरे फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है। FPS का पूरा नाम आपसे पूछा है और आपको बताना है इसका पूरा नाम, मैंने आगे आपको बता चुका हूं तो जल्दी से बता दो कि आखिर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, फेयर प्राइस शॉप, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। मैंने आपको दावा किया है कि 16 तारीख तक आपकी जो चैप्टर वाइज जो सीरीज है उसको कंप्लीट करने वाला हूं। रविवार के दिन आप इस चैनल पे एक्टिव रहना, काफी जबरदस्त माहौल आपको देखने को मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 15 की निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है, तो मेरे मित्रों यहां से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो मकान का पंजीयन हो जाता है, क्योंकि मकान का पंजीयन तो आपका किसके अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है। बाकी जो भी पंजीयन है वो आपके यहां से हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मकान का पंजीयन यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष की आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान किस तिथि को लागू किया गया था, तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके आरएसडी एग्जाम में नहीं भी होते तो भी आपसे इतनी तो उम्मीद है कि आपको ये याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो आज से जान लो कि कौन सा हो जाएगा, 1 सितंबर 2019 यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अब आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना आपके स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए योजना बनाई गई है, जिसके अंदर आपका जो है कैशलेस इलाज करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आज के इस स्लाइड का ये अंतिम क्वेश्चन हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें ताकि वो हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करती हैं। उम्मीद है कि आप सभी को सेशन काफी पसंद आया होगा। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अभी भी अगर आपके पास में वीडियोस आ रहे हैं और किसी पड़ोसी का भी अगर एग्जाम है तो उन सभी तक ये फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी 22 मई के दिन आरएसडी एग्जाम में तहलका मचा सके। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे है और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा है। बाकी जो है कि 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिलता है। आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आने वाले परिवार इसमें शामिल है और आईपीडी में रोगियों का नगद रहित इलाज होता है। तो मैंने आपको बोला था कि कैशलेस आपका इलाज किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा है। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आपके टॉप मोस्ट 17 क्वेश्चन जो आपके इस 7वें चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे। दावे के साथ बोलता हूं कि एग्जामिनर इससे ज्यादा आपका आपसे नहीं पूछेगा, यानी कि जो एग्जामिनर का माइंड चलेगा उससे पहले मैं एग्जामिनर का माइंड पढ़ने वाला हूं और आपको इस बार 90 से पार करवाने वाला हूं। उम्मीद है आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी तैयारी मस्त होगी, जबरदस्त होगी और इस बार आप करेंगे आरएसटी में 90 से पार और आपका भी होगा आरएसटी में बेड़ा पार। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ में कि इस बार आप जो है आरएसटी एग्जाम में पेपर की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।